आपकी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं राखी स्पेशल स्वीट, दूध से बने पेड़े का रेसिपी। घर पे ही बनाइए, मार्केट से भी अच्छे पेड़े। इसे बनाने के लिए हमने 3 सामग्री का यूज किया है। कढ़ाई में हमने 1.5 लीटर दूध डाल दिया है। इसको अब हम गर्म होने के लिए रख दिए। जब दूध में अच्छे से उबाल आ जाएगी तब इसको हम कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। आज को हम मीडियम टू हाई फ्लेम रखे हैं। देखिए हमारे दूध में उबाल आ गई, इसको हम कंटिन्यू चलाएंगे, नहीं तो दूध तलों में पकड़ लेगा। इसको किनारे से चलाते हुए इसको अच्छे से मिला लेंगे। किनारे पर जो भी मलाई जमती है उसको किनारे से खरोच खरोच के उसको दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हम अच्छे से इसको चला रहे। इस पेड़े को बनाते टाइम आप मोटे वाले कढ़ाई का इस्तेमाल करिए। पतले वाले कढ़ाई में दूध बहुत जल्द पकड़ लेता है, जिससे पेड़े का स्वाद बिगड़ सकता है। और इस पेड़े को आप चाहे तो किसी भी फेस्टिवल पे या व्रत में या भगवान को भोग लगाने के लिए इस पेड़े को आप बना सकते हैं। ये बहुत ही इजीली बन जाता है, तो इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। देखिए हमारा दूध गाढ़ा हो गया। अब इस स्टेप पर हम इसे इलायची मिला दे रहे हैं। आप चाहे तो लास्ट में भी इसको आप ऐड कर सकते हैं। हम इसमें 150 ग्राम चीनी मिला रहे हैं। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप और इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। चीनी को दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चीनी को अच्छे से पका लेंगे। चीनी डालने के बाद दूध का घोल थोड़ा पतला हो गया है, तो इसको हम कंटिन्यू चलाते हुए गाढ़ा कर लेंगे और इसको किनारे किनारे से कंटिन्यू खरोच खरोच को दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मिठाई को बनाने में 30 से 35 मिनट लग जाते हैं। और बस इसे बनाने में कुछ बातें ही ध्यान देना है। इसे बनाते टाइम आप मोटे कढ़ाई का इस्तेमाल करिए और इसे आप कंटिन्यू चलाइए। जब दूध में उबाल आ जाए उसके बाद आप कंटिन्यू चलाइए और किनारे किनारे से खरोच खरोच कर आप दूध में अच्छे से मिक्स कर लिया करिए। अगर इस बात का ध्यान देकर आप दूध का पेड़ा बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा पेड़ा बनकर तैयार हो गया है। देखिए हमारा दूध गाढ़ा हो गया है। इसको हम कंटिन्यू चला रहे हैं और किनारे से किनारे में जो भी मलाई जम रही है उसको कंटिन्यू खरोच खरोच को अच्छे से मावा में मिला दे रहे हैं। देखिए दूध हमारा एकदम गाढ़ा हो गया है। इसको कुछ सेकेंड के लिए और चला कर गाढ़ा कर लेंगे। देखिए इसका टेक्स्चर एकदम आपको दिख रहा है, एकदम पेड़े का जो डो होता है वैसा ही बन गया है। अब इसका हम गैस बंद कर देंगे क्योंकि हमारा पेड़े का जो भी डो था बनकर तैयार हो गया है। हमने गैस बंद कर दिया, अब इसे ठंडा होने देंगे। देखिए हमारा मावा ठंडा हो गया है। अब इसका हम छोटा छोटा बॉल बना लेंगे। बॉल को दोनों हथेलियों के सहारे से अच्छे से चिकना बॉल बना लेंगे और उसको फिंगर की सहायता से थोड़ा सा उसको चिपटा कर लेंगे। और आप चाहे तो ऐसे भी आप इसको पेड़ा रख सकते हैं, बट हम इसको चम्मच के सहारे से थोड़ा सा डिजाइन दे रहे। आप चाहे तो इसे प्लेन भी रख सकते हैं। देखिए हमारा पेड़ा बनकर तैयार हो गया है। ऐसे ही सारे पेड़े को हम बना लेंगे। देखिए हमारा दूसरा पेड़ा भी बनकर तैयार हो गया है। ऐसे ही हम सारे पेड़े बना लेंगे। देखिए दोस्तों हमारा पेड़ा बनकर तैयार हो गया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप भी खाइए, बनाइए, खाइए और आपको रेसिपी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।